अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं हूँ तहसीन। और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। होल्ड अप, तुर्की से एक और लिंक हमें मिला और हमें बहुत खुशी हो रही है कि वहाँ से लिंक हमसे शेयर होते जा रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से भी कि आप भी इस तरह से अच्छे अच्छे लिंक्स हमसे शेयर करें ताकि हम लोग अपना पाकिस्तान टैलेंट भी जो है वो उसको प्रमोट कर सकें, इसी तरीके से रिएक्शन वीडियोज़ कर सकें। और इतनी वो खुशी ऐसी तो बहुत ज़्यादा हो रही है कि हमें इस तरह के लिंक्स मिल रहे हैं और बड़े इन्फॉर्मेटिव लिंक्स हैं और बड़े ही मज़ेदार लिंक्स आ रहे हैं। और अभी जो मैं एक लिंक मौसूल हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है 567th एनिवर्सरी ऑफ फेथ कॉन्क्वेस्ट ऑफ इस्लाम ऑफ इस्तांबुल। ठीक है, तो अब ये पहले इसको वीडियो को देखते हैं, उसके बाद मज़ीद से बात करेंगे। चलें। Translated by ML Yemen. Check out. ये तो इरा दिखाया गया है। वही है ना, उसी टाइम का। इस्तांबुल का। हाँ, ये मैंने सुना हुआ है। ये इसके मैं बताता हूँ क्या हुआ था। या सैन बेने अलचासु। या दा बैन सैन। Defeat me, I will defeat. ये मैं बताता हूँ ना क्या हुआ है। सुनो ना। Sen durma, yürü. Ben de follow. Rüzgar peşinden gelsin. नीचे सब टाइटल लिखे हैं जो बोल रहे हैं वो। Öyle bir yürü ki. Such a way that Koca Sinan Sinan will proudly build Süleymaniye. वो उनके लिए Süleymaniye. हाँ. Then Jai Salman will greet you in there. Pani bhar ke aa raha hai. Keep walking. Wo history dikhai diye hai mountain stone grove. Kurtlar kuşlar seninle yürüsün. Bird with fly with you, animal arabs ke saath saath jaa raha hai. यानी कि हर तरह से हेल्प हो गई इस्तांबुल सेमालरना। Abdülhamit döşesin tren raylarını seni müjdeleyen için ta Hicaz'a. That will be coming. अच्छा, अब्दुलहमीद ने रेलवे ट्रैक एनिगोन में बनाया ना। हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सारा ना कि टाइम आएगा ऐसा। बिल्कुल चलते जाओ, रुको नहीं। अर्तुगरुल में भी इस तरह दिखाया हुआ है ना कि वो कह रहे जो चलते जाओ। अर्तुगरुल aşkla yürü. Walk with love. Walk with your heart. Peygamberler, evliyalar yoldaşın olsun. Elbette karanlık günler de gördü bu memleket. Milletiyle ayağa kalkmayı da bildi. Sen yürü yiğidim. Walk with courage and desire. Cesaretle yürü. Sen sadece bir şehri fethetmedin. Sen great commander. Senden sonra gelecek yiğitlere de ilham kaynağı oldun. Sen öyle bir dünya kudret görsün. İman görsün. Zafer görsün. Sen yürü sultanım. Allah'ın adıyla. Hak's way. Bilkul. Maşallah. Wow. Bahut acha tha. बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव है। स्टार्ट में जो तुम बता रहा था कि मैंने देखा हुआ है वो हुआ ये था कि कुछ फौजें जो हैं वो ये जो इनकी जो है जो उस दौर की फौजें थी ना, तो ये खुश्की पे जहाज खड़े हुए थे। अच्छा, तो उनको एक रात के अंदर
उस बंदरगाह तक लेकर आना था जहां पर से हमला किया जाना था, जिस तरह घोड़े भागते जा रहे थे ना, वहां से हमला किया जाना था। और इन्होंने क्या किया कि अब वो एक हिस्ट्री का ऐसा वाक्य है जिसपे साइंसदान आज तक परेशान है कि इन्होंने खुशकी पर जहाज कैसे चलाए थे। वो चलाए इस तरह से कि इन्होंने सारी रात में अपने जितने भी जानवर थे ना उनको जिबा किया, अच्छा, उनका उनकी चर्बी पिघलाई। हाँ। चर्बी पिघलाने के बाद वो टायरों जिस तरह डाल रहा था ऐसे, हाँ। ठीक है, वो चर्बी के ऊपर स्लिप होके चलना शुरू हुए, ठीक है, वो टायर जो थे वो चर्बी पे स्लिप होके जिस तरह वो एक बन गया ना उसका स्लिपरी हो गया, तो वो हाँ तो टायर स्लिप होते होते वो डंडों के ऊपर जहाज चलाया इन लोगों ने, और 24 आवर्स के अंदर जहाज उस जगह पर थे जहां पर इनको चाहिए थे। वाह। और इस तरह से उन्होंने डिफीट किया था। ये बड़ा मशहूर वाक्य है इसका, अच्छा, मैं इसको मैंने सुन रखा है इसका। हाँ। तो मैंने, लेकिन आप इसको आप सर्च कीजिएगा मजे इसके ऊपर, अगर मैं कुछ कमी बेशी कर रहा हूँ, लेकिन आप इस पर सर्च कीजिएगा, हमें बताइएगा। हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रॉपर वाक्य ये क्या था। हाँ। और कब का था मुझे ये भूल गया हुआ है, लेकिन ये जरूर था कि चर्बी पिघला के इन्होंने डाली थी और उससे वो स्लिपरी करके फिर जहाज के लेकर आए थे। और इसमें जो एक जो मेजर चीज़ बताई गई है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है इसमें, और उसमें क्या है कि इस्तांबुल के क्या है, तुर्की ने जुमा के रोज इस्तांबुल की फतह की 567 सालगिरह मनाई। हाँ। जिस जैसे एक नए दौर के आगाज के नाम से मौसूम यानी कि इसको ना किया गया है कि नए दौर का आगाज हो रहा है, हो रहा है। एक मुसलमान हुक्मरान के जरिए इस्तांबुल की फतह के बारे में पेशगोई की गई थी कि पैगंबर इस्लाम ने कहा था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इस्तांबुल ज़रूर फतह होगा, फ़ातेह कौन अच्छा कमांडर होता है, फ़ातेह क्या होता है, यानी कि कौन होगा, यानी कि उनका फरमान था। और मुझे लगता है ये फरमान अर्तुल के लिए ही था क्योंकि वही कमांडर ऐसे आए थे, इतने कबीले थे काय कबीला जो था बेसिकली, बिल्कुल नहीं, हाँ। इतने कबीले थे उनमें से काय कबीले में से ही एक जो है वो स्टार्टिंग होनी थी और वही कमांडर्स चलते गए क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो तो बेशक हो के रहना है। बिल्कुल, तो वो चीज मुझे लगता है कि ये इससे मुंसलिक है। और तुर्क ये सही बात कर रहे हैं कि इतना वो कॉन्कर करेगा और सब कुछ करेगा और सारी इन्फॉर्मेशन के अंदर थी इंशाल्लाह। और वो वेरी इसका जो हमसे जो है वो डेट नहीं हमें मेंशन की गई, वो जो हमारे तुर्क भाई हैं जिन्होंने हमें लिंक शेयर किया है उन्होंने साथ में उर्दू भी माशाल्लाह से ट्रांसलेट करके भेजी है, तो हम लोग उसको वहाँ से पढ़ पढ़ के आपको बता रहे हैं। और जितना जितना हम लोग हमारी जो हमें समझ आई इस बात की कि तुर्क जो है उनकी जो एक हिस्ट्री है हिस्ट्री वो माशाल्लाह बहुत ही मजबूत है। बिल्कुल, और वो एक पूरी हिस्ट्री के साथ चलते आ रहे हैं और हम लोग भी पाकिस्तानी आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है, और हमारा ये एक जज्बा है, हमारा आपसे प्यार है, वो कभी कम नहीं होगा इंशाल्लाह। और इसमें ये भी एक चीज दिखाई गई है कि हमेशा फेथ पे रहो, दिल से करो और अल्लाह की राह पे चलते रहो। बिल्कुल, आपकी मंजिल आपको मिलके रहती है, इसमें ये चीज बताई गई है। और डोंट लूज योर फेथ, बिल्कुल, दैट्स इट। और अपने दिल से दिल की सुनो, फेथ पे रहो और अल्लाह की राह पे चलते रहो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ऐसी, अल्लाह के सिवाय आपको इंसानों को किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल, अगर और अर्तुगरुल जैसे देख रहे हैं उसमें भी यही चीज कही गई है कि वो माइग्रेट करते हैं, ईमान दिखाया हुआ, बस ईमान मजबूत होना चाहिए, हैव फेथ, बिल्कुल, दैट्स इट। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल लिंक विद अस। और ऐसे ही वीडियोस देख के तो ऐसे और जैसे दोबारा से वो चीज उभर रही है, रिवाइवल होता है हर वक्त, हम लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग का ये बार बार हमें लिंक शेयर हो रहे हैं और हमें इस चीज की बहुत खुशी है कि हमें इतनी इंफॉर्मेटिव चीजें जो है पढ़ने को और देखने को मिल रही हैं। थैंक यू सो मच अगेन। और इसका ओरिजिनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यकीनन जाके दोबारा से इस वीडियो को देखें, नीचे इंग्लिश में सबटाइटल आ रहा है और वहां से आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। और ऐसी वीडियोस और भी हमारे शेयर करें। बिल्कुल, ऐसी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, प्लीज शेयर दिस काइंड ऑफ लिंक विद अस, वी आर वेटिंग फॉर योर लिंक्स। थैंक यू सो मच। और इसका जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके वीडियो लाजमी देख लें और उनको सब्सक्राइब और आपने शेयर लाजमी करना है, ठीक है। और उनके साथ साथ हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए करे। इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने घरों में महफूज रहेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।